मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार के माफिया सक्रिय हैं। सिंगरौली जिले में मुआवजा माफिया सक्रिय हैं। ये सरकारी प्रोजेक्ट पास होने पर सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदते हैं और उस पर कच्चे मकान का निर्माण करवाते हैं। प्रोजेक्ट के लिए अब जमीन का अधिग्रहण होता है तो इसके बदले में मोटी रकम मिल जाती है। सिंगरौली से प्रयागराज तक हाईवे का निर्माण होना है, इसके लिए जमीन का सर्वे हो गया है और सिंगरौली से प्रयागराज हाईवे से सिंगरौली के 33 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 70 किलोमीटर के हाईवे के लिए सिंगरौली में एक महीने में 2500 नए घरों का निर्माण हो चुका है। चितरंगी SDM सुरेश यादव ने बताया कि 11 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी और घरों का सर्वे किया जा चुका है। लगभग 2500 घर सड़क के निर्माण में प्रभावित होंगे। केवल उन्हीं घरों के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। 19 मई के बाद के निर्माण किए गए घरों के मुआवजा को कोई भुगतान नहीं होगा। दरअसल मुआवजे के लिए भूमाफिया ने बनाया है मकान। सिंगरौली प्रयागराज के क्षेत्र में हाईवे बनना था, नेशनल हाईवे बनना था। 135C के लिए अधिसूचना जारी हुई थी। हाईवे के लिए किसानों की जमीन चाहिए थी। अधिसूचना जारी होने के बाद माफिया सक्रिय हुए, किसानों से जमीनों का सौदा किया। बड़े अधिकारी और नेताओं ने जमीन खरीद ली। 33 गाँवों के पास की जमीन पर मकान बन गए और करीब 25,000 मकान बनाए गए। 70 किलोमीटर की बनाई जानी थी नेशनल हाईवे सड़क, जहां हाईवे वहां पर मकान बना दिए गए थे। बड़े अधिकारियों नेताओं ने जैसे उन्हें पता चला उसके बाद उन्होंने जमीन खरीदने शुरू कर दी। 33 गांव के पास मकान बनाए गए, करीब 25,000 मकान बनाए गए थे यहां पर। 70 किलोमीटर की बनाई जानी थी नेशनल हाईवे सड़क, जहां हाईवे बनना था वहां मकान बना दिए। मुआवजे को लेकर दलालों ने फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने सोचा कि अगर हम मकान बनाएंगे तो ज्यादा मुआवजा मिलेगा। मुआवजे को लेकर दलालों ने यह फॉर्मूला अपनाया और 20% जमीन मालिक और 80% दलाल मुआवजा लेंगे। बहुत बड़ी योजना बनाई गई थी और जो किसानों की जमीन थी उसे खरीद लिया गया था और वहां पर मकान बना दिए गए थे। प्रस्तावित हाईवे 135C का निर्माण किया जाएगा। इसमें हमारे 33 ग्रामों के अंतर्गत 70 किलोमीटर की दूरी में यह हाईवे बनाया जाएगा। विभाग का जो आकलन है वो 759 करोड़ का है लगभग। प्राथमिक रूप से इसमें हमारा 3A का प्रकाशन हो गया है और जो जॉइंट सर्वे होता है वो भी कर लिया गया है। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा, साथ ही उनके फोटो जियोटेक के द्वारा सेव कर लिए गए हैं।